हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू नेचर लवर ज्योति। तो आज के वीडियो की शुरुआत इन खूबसूरत बादलों के साथ, और जैसे कि आप देख रहे हो कि कितने खूबसूरत बादल हैं आज। तो दिन को काफ़ी तेज़ गर्मी थी हमारे यहाँ, तो शाम आते आते बहुत ही अच्छा मौसम हो गया। जैसे मैं अपने टेरिस गार्डन पे आई तो मैंने देखा ये बहुत खूबसूरत मुझे नज़ारा लगा, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ भी शेयर करूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हो बहुत ही खूबसूरत बादल लग रहे हैं आज। तो आज का वीडियो मेरा हार्वेस्टिंग वीडियो है, और जो मैंने अपने टेरेस गार्डन में थोड़ा वर्क किया था उसका वीडियो शेयर करूंगी आपके साथ। तो आप देख सकते हो कि जितने भी टोमेटो थे मेरे सारे हार्वेस्ट कर लिए मैंने। तो मेरे जो ये वाले प्लांट सारे ही मेरे अब ख़त्म हो रहे थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना अब इनको चेंज किया जाए, और इनको मैंने सारे टमाटर जो भी थे उनको मैंने सबको हार्वेस्ट कर लिया, और इन प्लांट जो ये मेरे प्लांटर थे तो इनमें मैंने खाली करके तो इसमें गुड़ाई करके इसमें थोड़ा सा फर्टिलाइजर भी ऐड किया। उसके बाद मैंने 2-3 घंटों के लिए इनको छोड़ दिया था, और उसके बाद फिर मैंने इनके इनमें मैंने नए प्लांट लगाए हैं, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। और जैसा कि आप देख रहे हो फ्रेंड्स, ये मेरा ग्रो बैग था, और इसमें लहसुन के मैंने प्लांट लगाए थे, उनको भी मैंने सबको हार्वेस्ट कर लिया, और फिर इस ग्रो बैग को भी मैंने सारा क्लीन किया। तो आप देख सकते हो इसमें कितनी रूट्स आ गई थी नीचे नीचे, तो इसको भी मैंने फिर क्लीन करके इसमें भी थोड़ा जो फर्टिलाइज़र था वो ऐड किया। मेरे पास गोबर की खाद थी और नीम खली थी, और 2-3 फर्टिलाइज़र मेरे पास थे जो मैंने इसमें ऐड किए, और 2-3 घंटे के लिए मैंने इसको छोड़ दिया, और फिर इसमें मैंने न्यू प्लांट्स इसमें लगाए। तो आप बने रहिए मेरी वीडियो के साथ, और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो मेरे न्यू फ्रेंड्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और जैसे कि आप जानते हो फ्रेंड्स, जैसे ही मौसम चेंज होता है तो हम गार्डनर्स को बहुत सारा काम बढ़ जाता है। तो आप देख ही रहे हो कि जो मेरे पुराने प्लांट थे टोमेटो के, वो सारे मैंने इसमें से निकाल दिए अपने इस बड़े प्लांटर में से, और अब मैं इसमें मिर्ची के प्लांट लगाऊंगी। तो आप देख सकते हो, और ये देखिए इसके नीचे जहाँ पे मैंने ये बड़ा प्लांट रखा हुआ था उसके नीचे सारी इसकी मिट्टी बह बह के ढेर लग गया था, तो मैंने ये भी पूरा क्लीन इसको किया, और उसके बाद फिर मैंने इसी जगह पे मैंने वो वाला प्लांट रखा और उसमें मैंने मिर्ची के प्लांट लगाए। तो आप देख सकते हो, ये देखिए आप, मैंने उसी वही जो मेरा प्लांटर था उसकी मिट्टी सारे निकाली, और इसका जो मैंने पॉलीथीन लगाया था वो भी सारा निकल गया था साइड में से। तो उसके बाद मैंने फिर इसमें न्यू पॉलीथीन लगाया और सारी मिट्टी दोबारा भर के, और कुछ फर्टिलाइज़र इसमें मैंने ऐड किए, गोबर की खाद, नीम खली और थोड़ी हल्दी। तो 2-3 घंटे के लिए मैंने इसको छोड़ दिया था, उसके बाद मैंने इसमें प्लांटर जो मिर्ची के मेरे प्लांट थे तो काफ़ी ग्रोथ हो गई, उनकी ग्रोथ हो गई थी, तो मैंने इसमें लगा दिए। तो फ्रेंड्स आप बने रहिए, तो इसी वीडियो में भी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो सब। और ये कुछ ग्रो बैग और भी थे
जो कि मैंने उनको भी मैंने अच्छे से खाली करके, तो उसमें मैंने आज मिट्टी भर के दोबारा और फर्टिलाइजर उसमें डाल के तो टमाटो के प्लांट लगाए हैं। तो अब देखते हैं कि गर्मियों में कैसी ग्रोथ होती है इनकी। और ये मेरा एक ग्रो बैग और है जो वेस्ट मटेरियल होता है, तो इसमें सारा मैंने वेस्ट डाला हुआ है। और इसमें भी कुछ लगा दूंगी, इसमें मिट्टी भर के और थोड़ी सी खाद। और फ्रेंड्स, आपको कैसी लगती है मेरी वीडियो, प्लीज़ बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। न्यू फ्रेंड्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अपने चैनल पे मैं गार्डनिंग के रिलेटेड वीडियो डालती रहती हूँ, और नर्सरी विजिट जाती हूँ तब भी डालती हूँ। और छोटा सा मेरा बालकनी गार्डन है, तो वो भी मैं शेयर करती हूँ आप सबके साथ। तो ये देखिए मेरे मैरीगोल्ड के फ्लावर, जो कि बहुत ही अच्छे फ्लावरिंग दे रहे हैं। और ये मेरा मिर्ची का प्लांट, और ये मेरा जो सैलेड पत्ता होता है उसके प्लांट लगे हुए हैं, शायद जो मैंने विंटर सीजन में लगाया था तो उसके सीड्स आगे पीछे गिर गए थे, तो वहीं पे जो हो गए, तो मैंने उनको निकाल के तो इसमें लगा दिया। तो ओके फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर, और राम राम, अपना ध्यान रखिएगा। ओके बाय।